हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम अखबार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब अखबार को पढ़ने से पहले हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था शेरशाह और सूरवंश के बारे में। अब जब 1540, अब थोड़े से पीछे चलते हैं तो जब 1540 में क्या होता है, विलग्राम का युद्ध, या इसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है किस किसके बीच होता है, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी। जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच विलग्राम का युद्ध होता है तो यहाँ पे शेरशाह की विजय हो जाती है और उस टाइम आ जाता है सूरवंश, 1540 से लेकर 1555 तक। अब जब 1555 में होता है, जो सूरवंश का अंतिम शासक रहता है उसका नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह। अंतिम शासक किसका? सूर का, सूरवंश का अंतिम शासक ये होता है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, अब मोहम्मद आदिल शाह का क्या होता है, बहनोई, बहनोई होता है सिकंदर सूर। सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में, इसके और हुमायूं के बीच में 1555 में एक लड़ाई होती है, 1555 में एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध। अब सरहिंद के युद्ध में क्या हो जाता है, तो सिकंदर सूर हार जाता है और फिर से क्या आ जाता है, मुगल वंश आ जाता है 1555 में। लेकिन 1555 के बाद क्या होता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने से। अब 1556 में क्या हो जाता है, फिर से हुमायूं का बेटा कौन हो जाता है, अकबर राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो अब आज करेंगे हम अकबर के बारे में। अब सबसे पहले पॉइंट इसमें कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहा हुआ था, अमरकोट। अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान, उस टाइम पाकिस्तान में हुआ था। तथा इनके बचपन का नाम क्या था, बद्रुद्दीन। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो अकबर के बचपन का नाम था बद्रुद्दीन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सरहिंद विजय के बाद हुमायूं ने इसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया है और बेरहम खां को इसका संरक्षक बनाया। अब जब 1555 में क्या होता है, सरहिंद की लड़ाई किस किसके बीच होती है, सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच। तो हुमायूं जीत के बाद क्या कहते हैं, इसको पंजाब का सूबेदार बनाते हैं, किसको, अकबर को, और इसका संरक्षक किसे बनाता है, बेरहम खां को। क्यों बनाता है, क्योंकि उस टाइम इसकी उम्र रहती है मात्र 13 वर्ष, 1555 में इसकी उम्र रहती है 13 वर्ष। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है, पंजाब में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्याभिषेक कहाँ होता है, पंजाब में, और कब होता है, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्य अभिषेक होता है। अब काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 और कहाँ हुआ था, पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर, यहाँ पे क्या है, कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 14 फरवरी 1556 अकबर और हेमू के बीच में, और जो हेमू है वह क्या है, मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, सेनापति है। कौन, हेमू, मोहम्मद आदिल शाह का। बात आई यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 को, किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अकबर जीत जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में हेमू ने आगरा और दिल्ली पर
अधिकार करके दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब उस टाइम पे क्या था कि मुगल वंश क्या था कि पूरे भारतवर्ष में था। अब हेमू क्या करता है, प्रारंभ में हेमू आगरा और दिल्ली पर क्या कर देता है, अधिकार कर लेता है और दिल्ली में क्या अपने को स्वतंत्र शासक, मतलब मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। किसी के अधीन का मतलब क्या था कि जो उस टाइम पे भारत में थे कौन थे, मुगल थे, तो मुगलों का शासक न मानते उसको क्या करता है, वो स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करता है और अपने को क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण देता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, ये की थी हेमू ने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1556 से लेकर 1560 बेरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में राज्य की सारी शक्तियों का उपभोग किया। अब उस टाइम पे क्या रहता है, 1556 तक तो क्या रहता है, अकबर छोटा रहता है, तो इसलिए बेरम खान उसका संरक्षक के रूप में रहता है और उसकी जो भी सारी शक्तियां होती है, जो भी एक राजा का काम होता है, उन सारी शक्तियों का निर्वहन कौन करता है उस टाइम पे, बेरम खान, जो क्या है, अकबर का संरक्षक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 1561 में बेरम खान की हत्या की गई। अब गुजरात के पाटन नामक स्थान पर क्या होती है, 1561 में बेरम खान की हत्या की जाती है। ये कभी कभी आ जाता है कि बेरम खान की हत्या कब हुई थी, तो बेरम खान की हत्या हुई थी 1561 में और कहां हुई थी, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने 40 वर्ष के राज में, अकबर लगभग कितने वर्ष तक राज करता है, 40 वर्ष तक, क्या राज के दौरान एक महान विजेता, उसे क्या कहा जाता है, एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की भूमिका निभाई और एक क्या कहते हैं, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है, कौन, अकबर करता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसके साम्राज्य विस्तार में, आज इसमें साम्राज्य विस्तार, अगर हम बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार की, तो सबसे पहला क्या है इसका, मालवा विजय। अब मालवा विजय क्या है कि अकबर क्या करता है 1561-62 में क्या करता है, मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को क्या, मुगल साम्राज्य में मिला देता है। तो मालवा की विजय कब होती है इसकी, 1561-1562 में मालवा प्रदेश की। अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट है इसमें गोंडवाना विजय। अब गोंडवाना में उस टाइम क्या होती है कि रानी दुर्गावती अपने अल्प आयु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासक कर रही होती है, और जैसे कि बेरम खान क्या था, अकबर का संरक्षक था, तो उसी प्रकार गोंडवाना में क्या थी कि रानी दुर्गावती उसका छोटा पुत्र था वीर नारायण, उसकी संरक्षिका के रूप में वहां पे क्या करती है, कार्य करती है। और 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया। अब क्या करता है कि मालवा 1561-62 के बाद ये क्या करता है, गोंडवाना की तरफ चलता है और 1564 में गोंडवाना अभियान करता है और यहाँ की राजधानी, अब इम्पोर्टेंट है इसमें गोंडवाना की राजधानी क्या है, चौरागढ़ क्या है, गोंडवाना की राजधानी, और चौरागढ़ के निकट जो उस वहां की राजधानी रहती है उसके निकट क्या करता है, एक युद्ध होता है किसमें, रानी दुर्गावती और अकबर के बीच में। तो रानी दुर्गावती क्या होती है इसमें, हार जाती है, रानी दुर्गावती हारती है तो क्या करता है कि अकबर गोंडवाना को भी अपने राज्य में मिला लेता है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, मुगल रहता है तो मुगल साम्राज्य में उसको मिला देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में हम गोंडवाना से आगे पढ़ेंगे।